तो एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका, और मैं आ चुका हूं बिलासा बाई केवटिन की धरती पर। इसके अलावा इसे न्यायधानी के तौर पर भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है वो यहीं पर है। और अब जो 29 का महासंग्राम शुरू हुआ था, अब हम उसे लेकर आए हैं 11 सीटों के महासंग्राम पर। इसके अलावा थोड़ा सा यात्रा के रूप में परिवर्तन करेंगे, छोटे शहरों पर और ज्यादा फोकस करेंगे, और ज्यादा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर इस सफर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ललित प्रजापति और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय आपका स्वागत करते हैं, और एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिला गाड़ी बुला रही है। स्वागत है आपका। तो अब मैं ट्रेन पर भी सवार हो चुका हूं, और एक और खास बात मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बता दूं। वैसे तो ये गोंडवाना एक्सप्रेस है, और ये ट्रेन तकरीबन सफर तय करती है 1600 किलोमीटर का। हालांकि हम इसके आखिरी पड़ाव में हैं, और रायगढ़ इसका लास्ट डेस्टिनेशन होगा। रायगढ़ के बारे में बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, रायगढ़ का जो विधानसभा का चुनाव रहा, वहां पर कांग्रेस बीजेपी दोनों को कामयाबी मिली, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला नाम है वो ओपी चौधरी। ओपी चौधरी आप जानते होंगे, अभी वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है। ये वही ओपी चौधरी हैं जिन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ी और फिर बीजेपी ज्वाइन करी। पिछले बार कामयाबी नहीं मिल पाई, इस बार कामयाबी मिली और सीधे वो वित्त मंत्री बने हैं। चलिए चर्चाओं को अब वोटर की तरफ मोड़ देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं, कहां जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं शक्ति। अच्छा, शक्ति। हाँ, जांजगीर शक्ति। हाँ हाँ। अच्छा हाँ। और बताइए, अब चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा है, क्या कमी है? मुद्दा तो देश में बढ़िया काम हो। हाँ, है? हाँ, 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 और युवा पीढ़ियों को नौकरी मिले। हाँ, है? बेरोजगारी हटे। हाँ, हाँ, है? हाँ, ये सब चीज का मुद्दा है। हाँ, हाँ, तो आप खुद रामनामी पहने हुए हैं? हाँ, हम तो हाँ हम तो राम नाम है, राम को ही भजते हैं। मंदिर चाहिए पर रोजगार भी चाहिए। रोजगार चाहिए। अच्छा। हाँ, रोजगार में रोजी रोटी आएगा। हाँ, हाँ, विकास होगा। हाँ, हाँ, और ट्रेन की फैसिलिटी वगैरह के बारे में क्या लगता है? हाँ, ट्रेन की फैसिलिटी बढ़िया है। हाँ, हाँ, जैसा भी है। अच्छा। हाँ, क्या मुद्दा लग रहा है आपको, क्या कमी है? क्या नहीं है? कुछ कमी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, सच्ची। हाँ, राम राज आ गया। हाँ, चलिए अच्छी बात है। सर, आपके हिसाब से क्या मुद्दे इस चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव है अभी? लोकसभा चुनाव अभी आगामी है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अच्छे परफॉर्मेंस के रूप में आ रही सामने, और हमें उम्मीद है कि लोकसभा में भी मैक्सिमम वोट, मतलब मैक्सिमम सीट आएगी बीजेपी की। फिर भी चुनौतियां रहती हैं सरकार के लिए, तो जी वो चुनौती आपको क्या लगती है, किस फॉर्मेट में लगती है? चुनौतियां तो रहती हैं, खैर वो अलग, अभी कांग्रेस शासनकाल जो रहा प्रदेश में, उनका भी जो आप देखिएगा कार्यकाल, और उसके पहले भी बीजेपी का रहा है कार्यकाल, तो उसमें अंदर तो समझ में आ ही रहा है, जो विकास और जो रोजगार की बातें हैं वो सारी चीजें जो बीजेपी में है वो कांग्रेस में नहीं है। नहीं। अच्छा, विपक्ष आपको लगता है मुद्दे उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा है? नहीं, विपक्ष तो मुद्दे उठा ही रहा है कंटिन्यू, आप देखिए न्यूज़ तो विपक्ष के मुद्दे आ ही रहे हैं बरोबर। और राम नाम से लेकर नरसिंह तक हमने सभी से बात करने की कोशिश की। हालांकि मैं फिर बता दूं आपको कि लोगों के उतरने का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि उनके अपने डेस्टिनेशंस आते जा रहे हैं, मंजिल आते जा रही है, और लंबा सफर तय करके लोग रायगढ़ पहुंच रहे हैं। वोट करते हैं, मतदान देते हैं? बिल्कुल देते हैं। देते हैं। क्या आपके हिसाब से मुद्दा है इस बार, चुनाव आ रहा है फिर से? मुद्दा क्या है इस समय, फिर भी कुछ तो कमी लगती होगी? कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा सरकार है। अच्छा चल रहा है आपके छत्तीसगढ़ में, सरकार भी बदल गई? हाँ, तो काम करेगा वही रहेगा। अच्छा। काम नहीं किया तो जाएगा, तो फर्जी काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो जाएगा ही। अच्छा। रहेगा कहाँ से? तो आपको लगता है करप्शन हुआ है? बिल्कुल करप्शन हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आम जनता जानती है सब घटनाओं को। और क्या अच्छा कर सकती है सरकार, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे? सरकार अपने लिए तो अच्छा करती है, पब्लिक के लिए क्या करती है वो? कोई पब्लिक के लिहाज से बताइए, फोकट बांट करके वोट बटोरती है और क्या करती है? फ्री विच जिसको बोलते हैं, शासन जो है केवल वोट जुटाने का काम करती है, तो चाहे प्रदेश की दशा कुछ भी हो जाए, फोकट में बांटो और बांट लो और राज करो बस। तो आपके हिसाब से फ्री विच बंद होना चाहिए? फ्री विच बिल्कुल बंद होना चाहिए, फ्री तो बटना ही नहीं चाहिए, बगैर मेहनत का बांटना, बंदर बांट करना क्या सही है? बेकार, बिना मेहनत के बंदर बांट कितनी सही है, ये एक बड़ा सवाल, बहुत कम लोग इस बारे में बोलते हैं। क्या मुद्दे आपके हिसाब से चुनाव में इस बार?
ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्स का काम करता हूँ। सेल्स का काम जी। ओके, जॉब अगर आपको लगता है उनमें और काम होना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए? हाँ होना चाहिए, बड़ा मसला है बेरोजगारी। बेरोजगारी का है। ठीक तो कर रहे हैं, बढ़िया ठीक कर रहे हैं। अम्मा सब ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया सब मिल रहा है। हाँ, वगैरह हाँ, सब सहकारी बंधन शुरू हुई? हाँ, हो गई। फार्म भर दिया आपने? डाली है, डाली। हाँ बाबू बढ़िया, अभी भरा है? भर ली है, भर ली है। चलिए, महतारी बंधन का जिक्र इसलिए भी हम बार बार करते हैं क्योंकि इस योजना को गारंटी के साथ जोड़कर देखा गया। एक और युवा, कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं चांपा जा रहा हूँ। चांपा जा रहे हैं जी, पढ़ाई करते हैं, बोर्ड करते हैं? हाँ यस सर। अच्छा, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ। ओके, क्या मुद्दा आपके हिसाब से चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमारे लिए कुछ रोजगार मिलना चाहिए, हम कुछ अच्छा कर सकें। अच्छा। ताकि हमको जॉब मिल सके, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ जॉब है, पीपल आर मोर इन दैट केस हाउ टू बी सिलेक्टेड। आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं? जी जी। यहाँ पर भी पिछले बार बड़ा स्कैम की बात सामने आई है नियुक्तियों में जी, ये सब आपको लगता है इससे दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत क्यों नहीं होगी सर हमारे पे, क्योंकि हमने बहुत तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यदि इस तरह के स्कैम होते हैं तो फिर हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाता ना। हम कैसे सिलेक्ट होंगे यदि ये चीज चलती रहेगी हमेशा? तो इस पर रोक होना चाहिए ना गवर्नमेंट को, कुछ ऐसी छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है? इंडस्ट्री तो है यहाँ पर काफी है, बट कुछ और एक्स्ट्रा आ जाए, जो बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पे हैं, यहाँ के लोकल लोगों को प्रेफरेंस मिले, ये सब चीजें थोड़ा मायने रखती है। जी हाँ। आप भी वोट करते हैं सर? जी करता हूँ सर। क्या मुद्दे आपके हिसाब से? छत्तीसगढ़ में वही सब है सर, अब जो नियुक्तियाँ हो रहे हैं, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जान में फर्जीवाड़ा हुआ है पिछला। अच्छा, ये मानते हैं सरकार नेता चुने जाने के बाद आप लोग की बात सुनते हैं, मिलते हैं? हाँ सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं। मतलब जैसे सड़क की सुरक्षा है, सड़क अभी तक बना नहीं है, अधूरा है, 5 साल हो गया, 5 साल तक इधर का मतलब अकलतरा से लेकर, मैं अकलतरा से चढ़ा हूँ, जा रहा हूँ खरसिया, अकलतरा से अपना जो कोरबा वाला रोड बन रहा है उसमें अधूरा है अभी तक, ठीक है। अकलतरा से बलौदा 14 किलोमीटर है, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में अभी तक मतलब मुश्किल से 50% पूरा हुआ है, अब 50% बचा हुआ है। अच्छा, तो ये सब मुद्दा है। हाँ सरकार का ही ये है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, बढ़िया बढ़ावा दे, इस बार चुनाव में भाजपा शासन आए, भाजपा मतलब बढ़ावा हो। हाँ। अपना वैकेंसी बढ़े। अच्छा। और जो मतलब फर्जीवाड़ा हो रहा है, धांधली हो रहा है नियुक्ति में, वो धांधली बंद हो, नौकरी में धांधली हो रही है। मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव में? मुद्दा जय श्री राम है सीधा। अच्छा, जय श्री राम। तो श्री राम अब तो मंदिर पुराना है ना, जो तंबू में थे वो साक्षात अभी देखो सऊदी अरब में, माना मोदी जी उद्घाटन किए हैं, स्वामीनाथ मंदिर का उद्घाटन किए हैं, है ना भाई, कुछ तो है। मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे, तो मोदी जी में कुछ तो है ना, है। हम तो मोदी जी का सपोर्ट करते हैं भाई, कोई करे या ना करे। और मोदी जी तक कोई भी एक बात पहुंचानी हो तो क्या? और मोदी जी के ही कार्यकाल में देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी तक कोई बात पहुंचानी हो कि इसमें और काम कर दो? बस हम छोटे कर्मचारी हैं और क्या बात पहुंचा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ एजेंडे बहुत कुछ शामिल करने के लिए, जैसे कि आपका देखो मैं देश में महंगाई का जो मुद्दा है, प्लस बेरोजगारी का है, जैसे अभी आज डेट में मोदी बहुत बड़े हमारे पीएम है, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें, काम अच्छा किया, लेकिन जैसा उनने जो घोषणाएं की हैं, वादाएं की हैं ना, वो वादा में उतना खरे नहीं उतरे हैं। लोग धार्मिक स्तर पर उनको बड़ा नेता मानते हैं और उस आधार वोट देते आए हैं, लेकिन उनके सामाजिक जीवन तक बदलाव नहीं आया है। किसी के मंदिर बनने से किसी को रोजगार नहीं मिलता, जिनके हैं एक आम आदमी या मिडिल क्लास फैमिली की जो समस्याएं हैं वो है भोजन, कपड़ा, मकान, रोटी कपड़ा कमान इसके। और एक राजनेताओं को इन्हों पर फोकस पहले करना चाहिए, और धार्मिक चीजों पर राजनीति करना एक अलग मुद्दा है। तो आपको लगता है मेन मुद्दे और मंदिर इनको अलग अलग रखा जाए? दोनों अलग रखा जाए, लेकिन जो कि धार्मिकता को रखा जाएगा देश विकास कभी नहीं होगा, वो हमारे को पीछे को ले जाएंगे। धर्म ना हो, धर्म अपनी जगह है और डेवलपमेंट अपनी जगह है। आपने एक बात और कही मिडिल क्लास को लेकर, मिडिल क्लास बीच में अटका हुआ है, जैसे मैं अभी अटक के बात कर रहा हूँ। वैसे ही मिडिल क्लास को क्या चाहिए? सस्ते भोजन, कपड़ा, मकान, आवास, ऋण सुविधाएं,
हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेनों का किराया जैसे जो भी चीजें हैं, इन चीजों में सहूलियत मिले वही चाहिए। और इतने बड़े नेता है तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमको मुहैया कराए। ज्यादा है तो सरकारों से क्या उम्मीद है वो भी बात हुई, क्या मुद्दे होने चाहिए वो भी बात हुई। ये बात सही है, ये बात निकल कर आई है कि आस्था एक बड़ा मसला है, लेकिन आस्था की आड़ में क्या मूल मुद्दे कहीं खो रहे हैं वो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। वोट करते हैं जी? जी सर वोट करते हैं, मतदान देते हैं। हाँ देते हैं सर, देते हैं। हाँ तो क्या इस बार समाज में रहेगा जो बटन दबा रहे हो? सर आने वाले लोकसभा में हम लोग बीजेपी के पक्ष में जाना चाहेंगे। अच्छा उनका अच्छा विकास कर रहे हैं वो, उन्हीं के पक्ष में बीजेपी के पक्ष में जाना चाहेंगे। और सरकारी योजनाएं टाइम पे मिल रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं? अभी तो फर्स्ट वाला जो महिला महतारी योजना वो चालू है सर, बाकी तो अभी नहीं हो पाए हैं, तो देखेंगे आगे क्या हो रहा है। अनाज भी बांटा जा रहा है? हाँ अनाज तो बढ़ रहा है सर, पहले से अनाज बढ़ रहा है। हाँ बड़ा छत्तीसगढ़ में तो बड़ा हेरफेर हो गया। हाँ हाँ बढ़िया, हाँ और अच्छा हेरफेर हुआ। आपको क्या लग रहा है क्या स्थिति बन रही है आगे? आगे सर देखो वो छत्तीसगढ़ अच्छा विकास में जाने वाला है सर, विकास के रास्ते पे विकास होना चाहिए सर। और क्या लगता है कौन कौन से मुद्दों पर फोकस करना चाहिए सरकार को? सरकार को ही सर शिक्षक कर्मचारियों के पीओ में, कर्मचारियों और छात्रों छात्रों के उनमें पक्ष में जाना चाहिए सर। उस कर्मचारियों पर फोकस की जरूरत है। आप भी वोट करती हैं? जी सर करती है। क्या मुद्दा आपके हिसाब से? सर मैं बोल नहीं सकती, मेरा गवर्नमेंट जॉब है इस चीज के बारे में। चलिए चलिए ठीक है, आप बोल नहीं सकती, गवर्नमेंट जॉब का उन्होंने हवाला दिया। मैम आप वोट करती हैं? नहीं करती हैं, हमसे बात नहीं करना चाहती हैं। तो वोटर हैं, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। भी तो फिलहाल ऐसे स्टूडेंट जॉब की वैकेंसी अच्छे से निकालनी चाहिए उस पे। अच्छा कुछ सालों से ये हो रहा है वैकेंसी निकलती है अपॉइंटमेंट नहीं होता? हाँ बीच में पूरा पेपर भी होता है, उसके बाद लास्ट इंटरव्यू तक होता है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आता है। हाँ फिर स्टे लग जाता है। अभी भी 2019 या 18 के आसपास एनटीपीसी का अभी तक नहीं आया है, उसका केस चल रहा है अभी। आप वोट करते हैं सर? जी करते हैं, करता हूँ। क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए, नेताओं को किस पर बात और काम करना चाहिए? यही करप्शन पे बोल सकूंगा मैं जी, कि करप्शन ज्यादा हो रहे हैं उसे कम किया जाए। करप्शन हो रहा है? करप्शन हो रहा है। पर ये कहा जा रहा है कि जैसे आजकल पैसा खाते में चला जाता है या पीएम आवास की रकम भी खाते में चली जाती, फिर भी करप्शन हो रहा है ना? उस मैटर को लेके नहीं बोल रहा मैं, दूसरे में हाँ बाकी जगहों पे बोल रहा हूँ। करप्शन होता है डेली लोग फील कर रहे हैं, जैसे अपन पटवारी के पास ही चले जाएं, बाबुओं के पास चले जाएं, कहीं भी चाहे आप किसी विभाग में चले जाएं, पुलिस विभाग में देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। मतलब हाँ पूरे कम हुए हैं, पूरे तरह से रुके नहीं है, रोकने लगे। हाँ रोकने लगे। करप्शन आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा? इसके अलावा सर करप्शन के अलावा अगर और किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत हो आपको क्या लगता है? बाकी अभी तो शिक्षा पे वो चल रहा है, शिक्षा पे ही ज्यादा। शिक्षा नीति एक नई आई है अभी, हालांकि लागू नहीं हुई है। लागू नहीं हुई है अभी। जी जी तो उससे चेंजेस आएंगे? हाँ उससे चेंजेस आएंगे, शिक्षा नीति से चेंजेस आएंगे, ज्यादा रोजगार परक और कम तनाव वाली शिक्षा हम दे पाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? रायगढ़। मुद्दा है पॉवर्टी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और उसको देखना पड़ना चाहिए। मतलब जैसे हमारे बिहार में तो ज़्यादातर इस टाइप का फैसिलिटीज है कि लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल होते हैं, तो ऐसा है कि वहाँ पे भी इस मतलब इस होना चाहिए ऐसा कि लोग बाहर जाने का जरूरत ना पड़े। मतलब ऐसा कि एक तो जॉब बाहर ना हो, मतलब घर पे इस टाइप का होना चाहिए ताकि लोग बाहर जाके ना काम करे, घर पे ही रह के कुछ कर सके। अच्छा जो तो ये जब हम फ्री में लोगों को रोजगार अनाज देंगे, फ्री के अनाज से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो बस नाम के लिए मेरे अकॉर्डिंग जैसा मेरा राय है। आप अनाज दे के किसी को खुश नहीं कर सकते हो, जो जरूरी। मैं रेलवे में हूँ। रेलवे में जी सर, रेलवे में हूँ। और रेलवे के हिसाब से आपको क्या लगता है? कुछ बार कर्मचारियों ने हमें ये भी बताया कि रेलवे पे प्रेशर बहुत है कर्मचारियों का। प्रेशर तो हर जॉब में है सर, आप प्राइवेट ले लो सरकारी ले लो, ग्राम में तो काम करेंगे तो प्रेशर तो होना ही है, प्रेशर तो होना है। और ये तो अच्छी बात है, अगर प्रेशर है तो गलत कुछ नहीं है इसमें, आप करोगे काम तभी तो प्रेशर होगा। रेलवे में जल्दी भर्तियाँ होनी चाहिए आपको? हाँ ये चीज है, थोड़ा इश्यू है इस चीज को लेकर, थोड़ा सा टाइम टू टाइम लेट है वैकेंसी क्लियर करने में वगैरह वगैरह। यस थोड़ा सा तो अव्वल चीज तो रोजगार नहीं, फिर वैकेंसी निकली, फिर अप्लाई किया,
फिर सिलेक्शन हुआ और उसके बाद फिर जब अपॉइंटमेंट की बात आई तो किसी ने कहा नहीं नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उसको तो रोकना पड़ेगा, और फिर वो रुक जाता है। फिर वो मामला लगातार चलता रहता है, आगे चलता रहता है, खिंचता रहता है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या मुद्दे आपके हिसाब से? बेरोजगारी तो है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया देश का, तो बेरोजगारी तो आएगी। तो आप पॉपुलेशन मेन है, पॉपुलेशन भ्रष्टाचार तो भरपूर है। आज हम दुनिया में 85 स्थान में आ गए भ्रष्टाचार में, जो पिछले साल नहीं अभी तो 85 में पहले 10 कम था, तो और बढ़ गए, और बढ़ गए 10। तो करप्शन बढ़ी, करप्शन तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसी बात की तरफ और फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दें। अच्छा, लोग कम से कम काम तो करेंगे, मेहनत तो करेंगे। और इसके अलावा क्या लगता है, करप्शन के अलावा? शिक्षा मिल जाए सभी को, वो ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा को फ्री कर दे, मेडिकल फ्री कर दे, ये दो चीज को फ्री करे ना, बाकी सब बंद कर दे। तो इसको लेकर दोनों सरकारों ने, यहाँ पे जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी और उस बारे में बेकार है बोलना, क्योंकि वो तो करप्शन तो वो नहीं पहुँच, जैसे वो रोग ये केंद्र पारित करता है, ये रोक देता है, दोनों स्टेट दोनों का शासन एक ही शासन में रहेगा तो ठीक ही चल जाएगा। अभी कुछ दिनों से बढ़ा है ज्यादा कि हम कोई योजना देंगे तो हम रोक लेंगे, वो वैसे ही चल रहा है, इन लोगों का वैसे ही चल रहा है। आपने शिक्षा की बात की, टीचर्स की भर्तियां लगभग सभी राज्यों में अटकी हुई है, फिर कैसे शिक्षा होगी? नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से तो करना ही पड़ेगा, उनको नियुक्ति करना ही पड़ेगा शिक्षकों की। बड़ी मार्के की बात जो इन्होंने मुझे याद दिलाई है, आप उन आंकड़ों को ठुकरा सकते हैं कि नहीं नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया, करप्शन नहीं है, डीबीटी है। मैं तमाम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, पर जिस आंकड़े की बात इन्होंने कही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संभवतः उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि करप्शन में हमारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है, उसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। खैर, आमतौर पर जब भी इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, सरकारें बड़े करीने से इसे दरकिनार कर देती हैं। इसी तरह के सवालों के साथ लगातार ये सिलसिला जारी है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क चौथे नंबर का और सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क लगातार पटरियों के सहारे पॉलिटिक्स के अलग अलग पहलुओं के अलावा वोटर्स का मानस क्या है, क्या वो सोचता है और किस तरह के वो सवाल करता है, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और लगातार सिलसिला जारी है, गाड़ी बुला रही है। तो आखिरकार एक और सफर, जो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जो लगातार वोटर के मानस को आप तक पहुंचा रहा है। तो रायगढ़ एक छोटा सा विराम है, वो कोई मंजिल नहीं है, लगातार इस तरीके से वोटर के बारे में हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्या वो सोच रहा है, क्या उसके मुद्दे हैं, क्या उसकी शिकायतें हैं, क्या वो कहता है कि चुनौतियां हैं और क्या वो अपने नेताओं से एक्सपेक्ट करता है, ये लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। कल यहीं से किसी और पड़ाव की तरफ हम अपने कारवां को लेकर चलेंगे, इसी तरह लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ललित बैठे रेल में माइक रखे हाथ, सबको करनी चाहिए अपने मन की बात। तो लगातार जारी रहेगा, गाड़ी बुला रही है। साथ ही इस बार फिलहाल मुझे ललित प्रजापति और मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय को इजाजत दीजिए। नमस्कार।